आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ONGC जिसका हाई था 345 का, अभी देखिए आज स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। करंटली जो है इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। अभी देखिए रिसेंटली ही अगर आप देखेंगे तो जुलाई लास्ट के आसपास में स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी, और वहाँ पे स्टॉक ने जो लो बनाया था वो बनाया था लगभग 297 के आसपास का, उस स्पाइक मिला और 345 के आसपास जाके स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया, फिर देखिए उसमें गिरावट हुई। फिर अगर आप देखेंगे तो 7 अगस्त के आसपास स्टॉक वही 306 के आसपास गया था, फिर वहाँ से देखिए 346 345 के आसपास तक वहाँ स्टॉक गया। अभी देखिए फिर उसमें यहाँ पे गिरावट हुई है, तो यहाँ पे एक छोटा ट्रेड बनना है और जिनको लेना वो यहाँ से लें, 50% यहाँ पे लें। फिर देखिए जो दूसरा सपोर्ट आ रहा है लगभग 300 का, यहाँ पे लें। देखिए कई बार क्या होता है कि जो सपोर्ट होता है जिसमें कई बार स्टॉक वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, कई बार वो सपोर्ट तोड़ के फिर नीचे आता है, तो ऑन अ सेफर साइड देखिए यहाँ पे जो 200, यहाँ पे देखिए 285 का सपोर्ट आ रहा है, आप इसका स्टॉप लॉस लीजिए, 50% यहाँ पे लीजिए, 50% अगर 300 के आसपास आता है वहाँ पे लीजिए, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए 285 का। स्टॉक देखिए वापस अगर आपका 326 तोड़ के टिकता है तो इसको होल्ड करें, 345 के आसपास जो है इसका रेजिस्टेंस है वहाँ पे अगर तोड़ के टिकता है तो होल्ड करें, ना प्रॉफिट बुक करें। तो सिंपली जो इसकी रेंज बन गई 285 से लेके 345 के लोअर लेवल्स पे बाय करें, आप आने पे सेल करें। स्टॉक में वैसे भी लॉन्ग टर्म में 345 अगर तोड़ के टिकता है तो फ्रेश मूवमेंट होगी, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। रिस्क भी आपको पता है कितना लेना है, तो रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। बाकी आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से भी सलाह ले सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे अनोखे स्टॉक इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग आइडियाज़।